ACTH हार्मोन्स क्या होता है? देखिए, हमारी बॉडी के अंदर किडनी पाई जाती है। किडनी के जस्ट ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है उसको स्टिमुलेट प्रोवाइड करने के लिए एक और हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, उसका नाम है ACTH हार्मोन, यानी कि एड्रीनल कार्डियोट्रोपिन हार्मोन्स। तो ये क्या करता है, ये स्टिमुलेशन प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड कराता है किसको कराता है, एड्रीनल ग्लैंड्स को, ताकि वो हार्मोन्स का सेक्रेशन। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम है या उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो उसके हिसाब से जो है ACTH हार्मोन्स रिलीज होता है, ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट जो रहे वो कंट्रोल में रहे। तो ये ACTH हार्मोन्स कराता है। 6 है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। देखिए, हमारी नेक में ग्लैंड्स पाई जाती है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड्स। ये जो है एक थायरोक्सिन नाम का हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है जो कि ब्लड के अंदर BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक और हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। वो स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड्स को। अगर BSL मेटाबॉलिक रेट बहुत कम है उसके हिसाब से, और या फिर वो ज़्यादा है तो इसके हिसाब से एक थायराइड ग्लैंड्स को एक सिग्नल प्रोवाइड करता है कि आप इतने अमाउंट में थायरोक्सिन हार्मोन्स का सेक्रेशन कर दें। तो थायराइड ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेशन प्रोवाइड कराता है, स्टिमुलेशन। 7 हमारा MSH हार्मोन, जिसको बोलते हैं मिलेनोसाइट्स हार्मोन। देखिए, हमारी स्किन का कलर ब्लैक है या फिर फेयर है तो वो उसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे मिलेनोसाइट के ऊपर। तो मिलेनोसाइट जो है हमारी टारगेट सेल है, और मेलानिन जो है एक पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से जो है हमारा का स्किन है वो कलर प्रोवाइड होता है। तो MSH हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है जो कि अटैक करता है हमारे मिलेनोसाइट के ऊपर। मिलेनोसाइट के पार्टिकल को एक तरह से स्कैटर्ड करके रंग को गहराता है या फिर रंग को कम करना, यानी कि स्किन के कलर को फेयर या फिर ब्लैक करने का काम जो है MSH हार्मोन्स करता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेलानोसाइट को स्टिमुलेशन प्रोवाइड कराता है, स्किन के कलर को ब्लैक करता है या फिर उसको फेयर करता है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। देखिए, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स के बारे में मैंने पढ़ा कि क्या क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। पहला है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड सेकेंड है हमारा ADH हार्मोन, जिसको बोलते हैं एंटी डायोटेरिक हार्मोन्स। देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का काम क्या है, ये जब फीमेल जो प्रेगनेंस रहती है, प्रेगनेंट में रहती है, तो उस वक्त हम देखते हैं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज़ होता है ताकि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो पाए, और मिल्क का प्रोडक्शन के लिए ये हार्मोन बहुत ज़रूरी है। तो मिल्क का एक तरह से प्रोडक्शन कराता है, लैक्टेशन के लिए। और दूसरा फंक्शन ये हमारा है कि जब बेबी बॉर्न होने लगता है फीमेल बॉडी से, यानी कि डिलीवरी जब होने लगती है, तो उस वक्त यूट्रस के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है ताकि बेबी ईजिली रूप से और जल्दी फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाए। तो उस वक्त यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की वजह से होता है। तो इंटीरियर पिट्यूटरी एक सिग्नल प्रोवाइड होता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का रिलीज करता है और वो यूट्रस की बॉडी के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है ताकि बेबी की डिलीवरी हो जाए। यहाँ पर लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है विद इन द फीमेल यूट्रस में। दूसरा है हमारा ADH हार्मोन, यानी कि एंटी डायटोरिक हार्मोन्स। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी पाई जाती है, किडनी का फॉर्मेशन होता है नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन्स के पास एक ट्यूबल पाई जाती है जिसका नाम है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। वहाँ पर वो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है, यानी कि
रीएब्जॉर्प्शन जो होता है, रीएब्जॉर्प्शन जो है वो ADH हार्मोन्स की वजह से होता है। और अगर हमारे बॉडी के अंदर मान लीजिए कि ADH हार्मोन्स जो रिलीज़ हो रहा है वो कम रिलीज़ होए तो उस वक्त क्या होगा? देखिए हमारा जो यूरिन है वो डाइल्यूट हो जाएगा और ब्लड जो है हमारा वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा और ब्लड का प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है जिसको BP बोलते हैं, वो जब ब्लड कंसंट्रेट हो जाता है तो ब्लड प्रेशर जो है वो घट जाएगा, तो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट जब ADH ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है तो उस वक्त हम देखते हैं कि जो हमारा यूरिन है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, कंसंट्रेटेड ब्लड हमारा डाइल्यूट हो जाएगा और ब्लड प्रेशर वो डिक्रीज़ हो जाएगा। देखिए कब ADH हार्मोन्स कम रिलीज़ होता है? देखिए जब हम किसी तरह के वाउंड हो जाते हैं, यानी चोट लग जाती है, या फिर किसी सदमा से होकर गुजरते हैं, या किसी एंजाइटी में रहते हैं, तो वो ADH हार्मोन्स उस वक्त बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। जब हम ज़्यादा चाय पीने लगते हैं या फिर ज़्यादा कॉफ़ी लेने लगते हैं, मदिरा पान लेने लगते हैं, तो उस वक्त जो है हम ADH हार्मोन जो है वो ब्लड से बहुत कम ADH हार्मोन कहूँ कम रिलीज़ होने लगता है ब्लड में। हमारा जो डाइल्यूट जो हमारे बॉडी के अंदर जो यूरिन होता है वो डाइल्यूट हो जाता है और हमें कम से कम एक दिन में 20 लीटर हम यूरिन को सिक्रेट कर देते हैं। तो उस वक्त हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा यूरिन रिलीज़ होने पर हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होने लगता है। तो ADH हार्मोन्स अगर ज़्यादा कम रिलीज़ हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? एंजाइटी की कम रिलीज़ हो रहा है। कॉफ़ी लिख सकते हैं, कॉफ़ी और टी ज़िम्मेदार है। और ADH अगर हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ करना है या कब ज़्यादा रिलीज़ होता है तो वो है हमारा एंजाइटी में, अगर हमें एंजाइटी में या किसी हम चोट वगैरह से वो तो उस वक्त जो है ADH हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होना होता है। तो ये था हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स के बारे में और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शन है, कैसे कैसे हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।